सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सेबी ने की मांग, सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय को भेजा जाए जेल, जेल टालने के लिए भरने होंगे 62,600 करोड़। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। निवेशकों यानी इन्वेस्टरों के पैसे वापस न किए जाने के कारण, वो भी ब्याज समेत, सेबी ने फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ सुब्रत रॉय के खिलाफ। ये मामला लगभग 2012-13 से चल रहा है। इस मामले में नए घटनाक्रम में द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का सुप्रीम कोर्ट में अब नए से ये कहना है कि वर्ष 2012 और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने निवेशकों के पैसों को लेकर सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके मुखिया सुब्रत रॉय को जो दिशा निर्देश दिए थे, जो आदेश दिए थे, उनका पालन नहीं किया गया है। वर्ष 2012 से लेकर 2015 के बीच सुप्रीम कोर्ट में लगातार अलग अलग बेंचों के सामने इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। ये पूरा मामला था शुरू में 39,000 करोड़ रुपयों का, जो सहारा ग्रुप ने अपनी अलग अलग कंपनियों के जरिए लोगों से इकट्ठा किया था और इसका इस्तेमाल अपनी इस ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम कामों में किया था। मगर निवेशकों का पैसा उनको लौटाया नहीं गया, उस पर जो मुनाफा होना चाहिए था वो नहीं दिया गया, जिसके चलते आखिरकार सेबी ने यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अपनी स्पष्ट भूमिका रखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके मुखिया सुब्रत रॉय को पैसे भरने के आदेश दिए थे। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूर्ति न करने के कारण, उस पर अमल न करने के कारण सुब्रत रॉय को गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2016 में मां के निधन पर उन्हें पैरोल दिया गया। तब से लेकर अब तक सुब्रत रॉय पैरोल पर बाहर हैं और अब सेबी ने जो नई याचिका दायर की है उसमें कहा है कि पैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 15% ब्याज समेत इंटरेस्ट के साथ, यानी 62,602 करोड़ रुपए सेबी सहारा रिफंड अकाउंट, जो ये अकाउंट बनाया गया है इस पैसे को बैंक में जमा करने के लिए, इसमें उन्हें भरना था जो नहीं भरा है। एक तरफ न्यायालयीन आदेशों की लगातार अवमानना की जा रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कोर्ट द्वारा दी गई आजादी का सुब्रत रॉय पूरा पूरा आनंद ले रहे हैं, उनके बाकी के अन्य जो सहयोगी है वो भी इस आजादी का मजा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ निवेशक अपना पैसा कब वापस मिलेगा इस आस में बैठे हुए हैं। मगर वहीं सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने दावा किया है कि उन्होंने निवेशकों का लगभग 90% पैसा, यानी कि जो रकम थी उसमें से 90% रकम निवेशकों की, वो लौटा चुके हैं। सेबी ने उस पर आपत्ति जताते हुए साफ कहा है कि विधिवत तरीके से, यानी एजुकेटेड वे में सहारा ने कहीं भी ये नहीं बताया कि ये पैसा कब और कैसे लौटाया गया है, और कोर्ट को भी उसकी कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए सहारा का ये दावा माना नहीं जा सकता, कबूला नहीं जा सकता। इसके अलावा सेबी का ये भी कहना है कि कंटेनर जो है, यानी उल्लंघनकर्ता, अवमानकर्ता जो है सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके मुखिया सुब्रत रॉय, ये लगातार अपनी जिम्मेदारियां उनकी बढ़ती जा रही है इस निवेशकों के पैसे लौटाने के मामले में। दिन ब दिन एक तरफ उनकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, मगर दूसरी तरफ वो जो है, जो आज़ादी मिली है कस्टडी से रिलीज होने के बाद की, वो उसका मजा ले रहे हैं। ऐसे में अब हमारे पास कोई चारा नहीं है कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज और सुब्रत रॉय जो है 62,602 करोड़ रुपए इस अकाउंट में जमा करें या फिर सुप्रीम कोर्ट इन्हें वापस जेल भेजे। अब देखना यह है कि सेबी की इस याचिका के बाद सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या भूमिका अपनाता है। छोटे से लेकर के बड़े निवेशकों तक के पैसे इसमें लगे हुए हैं, और सिर्फ मामला जो है ये 1,000-2,000 लोगों का नहीं है, कई हजार लोगों के पैसों का है, और ब्याज की रकम जोड़ने के बाद ये रकम अब 62,602 करोड़ रुपए हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि आज कोरोना और लॉकडाउन की इस महामारी के दौर में एक ईएमआई अगर वक्त पर न भरी जाए तो उसको फाइनेंस वाले, बैंक वाले
चाहे वो रिक्शा मालिक हो, टैक्सी मालिक हो, या अन्य घर खरीदने के लिए लिया हुआ लोन लेने वाला व्यक्ति या परिवार हो, मोबाइल आपने खरीदा हो उसको अगर लोन पे लिया है तो उसको किस तरीके से ऐसे तमाम लोगों को जो है कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज, बैंक वाले परेशान करते हैं। यहाँ तो भारतीय लोगों का, हिंदुस्तानी लोगों का, हजारों लोगों का, हजारों करोड़ रुपए सुब्रत और राय ले बैठे हैं, उनकी सारा ग्रुप ऑफ कंपनीज ले बैठी हैं, मगर वो मजे कर रहे हैं बाहर, वो भी कोर्ट ने उन्हें रियायत देने के बाद, राहत देने के बाद। तो आम आदमी को ये राहत क्यों नहीं मिल रही है, ये सवाल भी जो है इस बड़े मामले से जुड़ करके उभर करके सामने आता है। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और सुप्रीम कोर्ट इसी तरह के नीरव मोदी, विजय माल्या और सुब्रत और रॉय जैसे लोगों के लिए क्या रुख अपनाता है और क्या संदेश देता है, ये देखना बाकी है।